हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज हम करने वाले हैं सच्चदानंद हीरानंद बादशाह अगे उनके द्वारा रचित कविता सांप। तो आपका पहला प्रश्न यह भी बनता है कि अगे जी का पूरा नाम लिखें। यह आपको प्रश्न दो नंबरों में आ जाएगा। तो इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे, इनका उपनाम है। तो इनके द्वारा रचित है कविता सांप। अगे जी ने सांप कविता में, क्योंकि ये अगे जी प्रयोगवादी कवि हैं, ये सबसे छोटी इनकी कविता है, सिर्फ एक ही पैराग्राफ है, 10-12 पंक्तियां हैं, सिर्फ 7-8 पंक्तियां हैं, जिसमें अगे जी ने आधुनिक जो लोग हैं उनकी जो स्वार्थ भावना है, उनका जो आत्म केंद्रित हो चुका है, हावी हो चुका है, उन्हीं के बारे में इन्होंने अपनी कविता में बताने की कोशिश की है। शुरू करते हैं सांप। सांप को वह कहते हैं कि तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। वह कवि जी सांप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम सभ्य तो हुए नहीं, तुम सभ्य तो हुए नहीं, अर्थात तुम्हें बसना तो नहीं आया कि नगर में कैसे बसा जाता है, लोगों के साथ कैसे रहा जाता है, भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे, हे सांप, हे लोग, हे महामूर्ख लोग, मैं तुम्हें एक बात पूछूं तो उत्तर दोगे। कौन सा प्रश्न है? सब कैसे सीखा डसना। तुमने सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना तुम्हें नहीं आया, संसार में तुम रह नहीं रहे, लेकिन ये डसना फिर कहाँ से सीख लिया, विष कहाँ पाया, और ये विष कहाँ से आपने पा लिया है। तभी कहता है कि प्रश्न करता हुआ कहता है कि नगर में तुम्हें बसना नहीं आया है, लोगों के साथ तुम्हें विचरना नहीं आया है, लोगों के साथ तुम्हें रहना नहीं आया है, क्योंकि शहरियों की जिंदगी ऐसी हो चुकी है कि वह एक समाज में रह तो रहा है लेकिन एक सामाजिक प्राणी नहीं बना है, सिर्फ स्वार्थवश होकर अपनी जहर उगलता है, अर्थात लोगों को लूटता है, मारपीट करता है और अपने स्वार्थवश ही लोगों को मौत के घाट उतार कर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। तो इसी से संबंधित प्रश्न है। ये कविता इतनी सी ही थी, छोटी सी थी बिल्कुल, कि तुम्हें बसना नहीं आया, समाज में रहना नहीं आया, तुम्हें जहर कहाँ से मिला या डसना कहाँ से सीखा, तो यह प्रश्न करता है शहरी नागरिकों से। कवि सांप से क्या प्रश्न करता है? वह शहर में क्यों नहीं रहा, वह सभ्य क्यों नहीं हुआ, उसने विष कहाँ पाया है। तो सांप कौन है? शहरी नागरिक है। डसना और जहर घोलना सांप ने कहाँ से सीखा है? अन्य सांपों से, पेड़ पौधों से, भूमि के खनिजों से, शहरी जीवन से। तो जो डसने वाला, यहर गोलने वाला एक लोग, दूसरे लोग को जो मारपीट करते हैं, वह सभी शिक्षा कभी कहता है कि शहरी जीवन से उन्होंने सीख ली है। इस लघु कविता में कवि सांप के बहाने किस पर व्यंग्य करता है? गांव वालों पर, जंगल में रहने वालों पर, या शहरी जीवन पर? तो किस पर कर रहा है? शहरी जीवन पर। तो दूसरी इनकी कविता है अगे जी की, जो पुल बनाएंगे। अर्थात आपको पता ही है कि जब रावण जी को मारना था तो जो वानर सेना थी उन्होंने पुल बनाए थे, पुल बनाकर श्री राम जी फिर चले गए थे रावण को मारने के लिए, युद्ध हुआ था तो अंत में श्री राम जी की जीत हुई थी। तो थोड़ा सा उन्हीं के बारे में बताया गया है कि जो पुल बनाएंगे, मतलब जिन्होंने पुल बनाया था, जिन्होंने मेहनत की थी वहां तक पहुंचाने की, तो वह तो बानर ही कहलाए हैं, अर्थात उन्हें कोई रुतबा नहीं मिला है।
जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्य पीछे रह जाएंगे, सेना हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, यही होंगे राम, जो निर्माता रहे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। तो लेखक भी यहाँ प्रश्न करता हुआ, कभी यहाँ प्रश्न करता है, कहता है कि जो पुल बनाएंगे, जिन्होंने पुल बनाया मेहनत की वह पीछे रह गए, सेनाएं हो जाएंगी पार, अर्थात जो सेना थी वो पार होगी, युद्ध के लिए तैयार हो गए रावण के पास, मारे जाएंगे रावण, तो रावण को खत्म कर दिया गया, रावण मारा गया, यही होंगे राम। जय का अर्थ है कि जीत जाएंगे राम, जय होंगे राम, अर्थात जीता कौन, जीता राम। लेकिन पुल किसने बनाया था, पुल बानर सेना ने। तो जो निर्माता रहे इतिहास में, अर्थात जिन्होंने वह पुल बनाया, निर्माण किया पुल का, निर्माण किया, निर्माता रहे, उन्हें बंदर ही कहा गया, अर्थात उन्हें कोई बहुत बड़ा रुतबा, बड़ा नाम नहीं मिल पाया। तो यह प्रश्न हमारे सामने सभी रखता है। प्रस्तुत पद में काव्य का रूप क्या है, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य। तो आधुनिक काव्य में ज्यादातर जो रचनाएं लिखी जाती हैं मुक्तक काव्य में लिखी जाती हैं। प्रस्तुत पद में कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रभावशाली, व्यंग्यात्मक, सुंदर, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है ये तीनों ही हैं, इसका उत्तर आ जाएगा उपरोक्त सभी। प्रस्तुत पद किस कविता में से लिया गया है, सांप में से जो पुल बनाएंगे, पौधों की पीढ़ियों, या सुख दुख। तो इनकी कविता है जो हमने अभी पढ़ी है, जो पुल बनाएंगे, उनमें से ही ये पंक्तियां ली गई हैं। आज के लिए इतना ही था, इनकी दो कविताएं थी, सांप और जो पुल बनाएंगे। हमने एक ही वीडियो में ये दोनों कविताओं के सरल अर्थ करवा दिए, साथ में प्रश्न भी करवा दिए हैं। कल हम करेंगे डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा रचित कविता चलना हमारा काम है। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।